23 जून को आषाढ़ द्वितीया तिथि है। इस दिन हर साल धूमधाम से जगन्नाथ महाप्रभु की रथ यात्रा आयोजित की जाती है। वैश्विक संकट कोरोना संक्रमण को देखते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पुरी में आयोजित होने वाली रथ यात्रा पर यह कहते हुए रोक लगा दी है कि भगवान जगन्नाथ उन्हें माफ करेंगे। इधर वैश्विक संकट को देखते हुए झारखंड सरकार ने भी 30 जून तक सभी धार्मिक स्थलों को बंद रखने का आदेश दिया है। इन सबके बीच जमशेदपुर के ऐतिहासिक नागा मंदिर में निकलने वाले रथ यात्रा भी रद्द कर दी गई है। जानकारी देते हुए आयोजक ने बताया कि पूरे विधि विधान के साथ पूजा की तैयारी की जा रही है। पूजा होगी लेकिन रथ यात्रा और मेले का आयोजन नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 85 साल में ऐसा पहली बार हो रहा है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी स्थानीय नागा मंदिर भिंडी में भगवान महाप्रभु श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा की तैयारी हो रही है। पूजा विधिवत होगी परंतु भक्तों की भागीदारी इस वर्ष नहीं देखी जा सकती है। कारण दो है, एक तो जो कोरोना की महामारी निकली है इसके वजह से, और प्रशासन का ये आदेश है कि 30 तारीख तक सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। इसी बीच 23 जून को रथ यात्रा का दिवस है, आषाढ़ दूज को ये मनाया जाता है जो कि इस वर्ष 23 जून को पड़ा है। और दूसरा, ये सबों के दिल में ये दुख है जो सीमावर्ती पर हमारे नौजवान शहीद हुए हैं, इसको देखते हुए बहुत ही सादगी से पूजा पाठ मंदिर में मनाया जाएगा। साल 1905 से यहाँ भगवान जगन्नाथ की पूजा पूरे विधि विधान से की जाती है, जहाँ रथ यात्रा के साथ भव्य मेले का भी आयोजन किया जाता है, लेकिन वैश्विक संकट के कारण इस साल इसे रद्द कर दिया गया है। 22 जून को भगवान जगन्नाथ महाप्रभु का नेत्र उत्सव होगा, उसके बाद 23 जून को भगवान नगर भ्रमण को निकलेंगे, लेकिन इस साल ऐसा नहीं होगा। एक तो कोरोना का खतरा, दूसरा चीन के साथ हुए हिंसक झड़प में मारे गए भारतीय फौजियों का दुख। ऐसे में इस साल रथ यात्रा आयोजित नहीं की जाएगी। ओंकार अवामी के लिए जमशेदपुर से नीलेश सिंह की रिपोर्ट।